सभी, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू मेकअप लुक लेकर आई हूँ। आज मैं राजस्थानी मेकअप लुक लेकर आई हूँ, तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बकैती नहीं करती हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेकअप का पहला प्रोसेस होता है वो होता है स्किन केयर। बिना स्किन केयर के हमें मेकअप नहीं स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारा मेकअप काला पड़ जाता है या फिर हमारा मेकअप केकी पड़ जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ख़राब हो जाता है मेकअप। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले स्किन केयर करना चाहिए, मतलब अपने स्किन को प्रेप करना चाहिए या सीटीएम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, तो मैं अब टोनर यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले अपनी स्किन पर टोनर यूज़ करूँगी, उसके बाद से मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। कॉटन पर ले लेना है टोनर को एंड अपने फेस पर। टोनर यूज़ कर लिया है, उसके बाद से मैं सीरम यूज़ करूँगी एंड उसके बाद से मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसका ड्रॉपर ख़राब हो गया है, सो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, 2 से 3 बूंद ही सीरम यूज़ करना है। तो इसे हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर। सीरम मॉइस्चराइज़र का काम करता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। हमारे स्किन केयर में इसे रात में लगा करके आप अगर सोते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है सीरम लगाने से। अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ, ज़्यादा मैंने यूज़ करना है, मैं बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ क्योंकि मैंने सीरम यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट हमारे हाथ में बचता है हमें उसे नेक पर लगा लेना है, क्योंकि हमें नेक पर भी बराबर जितना हम फेस पर मेकअप करेंगे तो जैसे बेस मेकअप हम करेंगे फेस पर, वैसे ही हमें अपने नेक पर भी करना है, क्योंकि अगर फेस का जो भी स्किन टोन है अलग होगा और गले का अलग होगा तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो हमें फेस और स्किन केयर है यहाँ कंप्लीट होता है, इसके बाद से हम मेकअप का प्रोसेस करेंगे। जो भी मेकअप का प्रोसेस होता है उसके आगे हम मेकअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो जो भी ओपन पोर्स जहाँ भी है आप वहाँ पर प्राइमर यूज़ कर, आप चाहो तो पूरे फेस पर यूज़ कर सकते हो। मैं जहाँ भी मेरे जहाँ से ज़्यादा ऑयल निकलता है मैं वहाँ वहाँ कर रही हूँ एंड इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, जैसे प्राइमर लगाते हो, तो आप 5 मिनट का गैप दीजिए। जब तक आपका प्राइमर ड्राई नहीं हो जाता है तब तक आप मेकअप का अगला प्रोसेस ना करें, नहीं तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम अपने प्राइमर को ड्राई होने देंगे, अभी ड्राई नहीं हुआ है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ड्राई होगा मैं अगला मेकअप का प्रोसेस आज से मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो मैंने 2 फाउंडेशन लिया है, एक शेड का है एंड एक डार्क शेड का है, आप देख सकते हो। सो मैं दोनों को मिक्स करके मीडियम शेड बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो फेस है मीडियम शेड का है, सो मैं मीडियम शेड का बनाऊँगी। बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेरे फेस के टोन का हो जाए, बस थोड़ा सा निकालना है। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं इसे जहाँ भी हमें यूज़ करना है पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी एंड थोड़ा सा नेक पर भी कर लेना है। इसे ब्लेंड कर लूँगी। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, अगर आपको पिगमेंटेशन है या फिर ज़्यादा डार्क स्पॉट वगैरह हैं तो आप क्या करना कि आप कलर करेक्टर यूज़ कर लेना। मैंने कलर करेक्टर नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरे फेस पर पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट वगैरह नहीं थे, आप लोग देख सकते हो, बस मुझे थोड़ा डार्क सर्कल है, तो कंसीलर से डार्क सर्कल हाइड हो सकती है। सो मैं जितने भी मेरे फेस पर डार्क स्पॉट है वो कंसीलर से हाइड हो सकते हैं, सो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, मैं कलर करेक्टर नहीं यूज़ करूँगी।
मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है, इसके बाद से मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो मुझे थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा भी करके इसे ब्लेंड करूँगी ये जहाँ भी है। उसके बाद से मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कलर करेक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं ये मुझे डार्क स्पॉट जितने भी हैं वो कंसीलर से हाइड हो सकते हैं, सो मैं कंसीलर का यूज़ कर लेती हूँ, मैं कलर करेक्टर का यूज़। आप जब भी मेकअप करते हो फ्रेंड्स, तो अगर आप आई मेकअप करने जाते हो तो अपने आई पर कंसीलर अपने शेड से लाइट कलर ही लगाना। इससे क्या होता है कि आपका आई मेकअप अच्छे से उभर करके आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से कवर हो गया। अब कंसीलर अपने कलर सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसके बाद से पाउडर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश में हमें बस थोड़ा सा पाउडर लेना है, उसे अच्छे से झाड़ देना है तब अप्लाई करना है, तब काफ़ी अच्छे से हमारा बेस सेट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो मेरा बेस मेकअप रेडी हो चुका है। अब मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा आईब्रो सेट हो चुका है। इसके बाद से पुली की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देखते हो कि मैंने फॉर्म ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिए हैं। इसके बाद से मैं आई शेडो लगाऊंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं रेड कलर का शेडो लगा रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज जो है रेड कलर का है। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं कट क्रीज करूँगी। आप देख सकते हो मैं कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश का हेल्प भी ले सकते हो या फिर एप्लीकेटर से ही आप कर सकते हो। तो मैंने एप्लीकेटर से कट क्रीज कर लिया एंड उसमें मैं शिमर लगा दूँगी। आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, स्टेप टू स्टेप आप भी ऐसे करना फ्रेंड्स। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। मैंने जेल आईलाइनर लिया है एंड इससे मैं अच्छे से काजल भी लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से मैं आईलैशेस अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं अपनी आँखों को सुंदर बना लूँ, फिर आईलैशेस लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरा आईलैशेस भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद से मैं लिक्विड लाइनर लेकर ऊपर से एक पतला सा स्ट्रोक लगा दूंगी, जिससे क्या होता है एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, आपका आईलैशेस पता ही नहीं चलता बिल्कुल, तो काफ़ी सुंदर लगता है आपके आगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद से मैं कंटोरिंग करूँगी। मेरे चीक्स कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं है, सो मैं चीक कंटोरिंग नहीं करूँगी, मैं बस नोज़ कंटोरिंग करूँगी। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स इसके बाद से मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मेरा आईलाइनर जो पतला स्ट्रोक लगाया था वो सूख रहा था, सो मैंने तुरंत मस्कारा नहीं अप्लाई किया है। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड इसके बाद से मैं अपने कंटूरिंग को अच्छे से शार्प बनाने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से लूज पाउडर से उसे अच्छे से सेट कर देंगे। आप देख सकते हो मेरी नोज़ कितनी प्यारी पतली सी लग रही है, मोटी चौड़ी से पतली हो गई।
एंड इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने गालों को खूब सुंदर सुंदर ब्लश कर लूँगी, जिससे मेरे गाल काफ़ी ब्यूटीफुल लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा लुक जो है वो क्रिएट हो चुका है, एंड मैं हाईलाइटर लगा करके सेटिंग्स पे लगा करके मेरा लुक क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद से फ्रेंड्स मैं सेटिंग स्प्रे लगा लूँगी, आप देख सकते हो कितने प्यारे लुक है फ्रेंड्स। एंड मैं इससे फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, एंड आपने शुरू में भी देखा होगा फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।